लोग जो जंग के समय मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं वो विशुद्ध अवसरवादी लोग उन पर मैं इस मंच पर से टिप्पणी नहीं करूंगी लेकिन उनको आईना दिखाना जरूरी है और वो आईना मैं जरूर दिखाऊंगी दो महीने पहले तक जब बजट आया था तो मोदी जी की सारी बखिया वही उधेड़ रहे थे उन्हीं को सब नजर आ रहा था चैनल चैनल जंप कर करके अपने आप को स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो घोषित करता है वो मुझे ये बताए कि स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रहते हुए आपको इस देश में आर्थिक असमानता बेरोजगारी महंगाई नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है आपको 20 परसेंट ये जनता छियालीस रुपए रोज पर गुजर बसर करती नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है इस तरह की बेहूदी वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है हमारी नहीं और असलियत यह है कि कांग्रेस ने इस देश के हाशिए पर रह रहे लोगों को हमेशा साथ दिया है और मैं एक जरूर यहां पर क्योंकि बड़ी धर्म की भी बात करने लगे हैं वो उस पर मैं जरूर बोलना चाहती हूं साच बराबर ताप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है ताके हृदय आप यह है असलियत झूठ बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते वो विशुद्ध झूठे होते हैं वो विशुद्ध अवसरवादी होते हैं वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं ये असलियत है और जो लोग ऐसा करते हैं उनको समाज किस दृष्टि से देखता है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं मेरे मुंह से ज्यादा ना बुलवाइए और असलियत एक ये है कि आज जो कहीं और जाकर कांग्रेस पार्टी को सनातन का पाठ पढ़ा रहे उन्हें मुझे सिर्फ दो टूक बात यह कहनी है भगवान के लिए भगवान का नाम झूठ मत लो किसने आपको मना किया सनातन पर बोलने से किसने आपको मना किया सनातन के खिलाफ बयान देने से मैं पूछना चाहती हूं मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ में सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूं मैं गई राम मंदिर मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा और एक ये ये सच है मैं यूजुअली पर्सनल बातें करती नहीं हूं यह सच है कि भगवान शिव के बारे में जितना मैंने राहुल जी से सीखा है उतना किसी और से नहीं सीखा है यह भी एक सच है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए जब मैंने प्रियंका जी को निर्जल व्रत रखते हुए देखा और मैंने पूछा आप क्यों करती हैं क्या है उन्हें बताया वो आठ साल की उम्र से नवरात्र का व्रत करती है हमें चाहिए आंसर सर्टिफिकेट सनातन पर क्या है सनातन सनातन यह है कि बिलबिला के भाग जाओ और फिर अनगल झूठ बोलने लगो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को दूसरों पर टीका टिप्पणी करना आपकी क्या हैसियत है मैं यह जानना चाहती हूं हाँ आपको पार्टी ने दो दो राज्यों से चुनाव लड़ाया लाखों करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं एरिया घिसते रहते नहीं मिलता है टिकट आपको दो दो जगह से चुनाव लड़ाया और आप इस तरह की नरगल बातें करेंगे एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स थोड़ा आत्मचिंतन करिए और देखिए देश दस साल में किस कगार पर पहुंच गया है जो खुद आप भी कहते थे